खबरों के साथ राजधानी भोपाल के कोलार के रेस्ट हाउस में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ बैठक की। करीब 9.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि मंत्री से लेकर प्रशासन स्तर तक जिम्मेदारी तय होगी और सख्त मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि रोडमैप क्रियान्वयन का जिम्मा लोक प्रबंधन विभाग का होगा। इसके अलावा सीएम शिवराज ने मंत्रियों को बेहतर काम के टिप्स भी दिए और दलालों से सावधान रहने को कहा। सीएम ने कहा कि दलाल आपके साथ बैठते हैं और काम के एवज में लेन देन करते हैं, इस चक्कर में मंत्री बदनाम होते हैं। तो वहीं सीएम ने मंत्रियों से परिवार को भी वक्त देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मंत्री बेहतर काम करें, तनाव ना रखें, तन्मयता के साथ काम करें, आनंद में रहें, फाइलों को ज्यादा दिनों तक पेंडिंग ना रखें। आपने वो पड़ाव का बचपन में रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़पति हो सुजान। ये बिल्कुल सही है। अगर हम सोचने की आदत डालेंगे तो दिमाग सोचेगा, पर हम कुंदे करके बैठ जाएंगे, उसको बंद कर फेस रहोगे, थोड़े से रिलैक्स रहोगे तो नई चीजें ज्यादा सोच के ज्यादा काम कर पाओगे, नहीं तो लगातार टेंशन में ही बैठे हुए मरे जा रहे हैं। साहब मंत्री जी फुर्सत ही नहीं, क्या करें। बीवी ने कुछ कहा तो उसे डांट दिया, तू क्या जाने मंत्री हो, दिन भर लगा रहे तो मतलब इस तरह की स्थिति बन जा रही। इधर बैठक खत्म होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। मंत्री समूह बनाने का तय किया है, लगभग 10 समूह मंत्रियों के अब प्रदेश के अंदर बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा का समूह है तो उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा, ये एक समूह है, ये सब बनेंगे। कृषि का समूह बनेगा, इसी तरह से रोजगार का समूह बनेगा। रोजगारों के बारे में मैंने बताया, राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में राजस्व विभाग का समूह बनेगा, उद्योग से संबंधित समूह जो रोजगार से संबंधित है उसमें लेंगे, सुशासन का भी एक समूह मंत्रियों का बनाया गया है, गरीब कल्याण समूह भी एक बनाया गया है, और हर महीने इन मंत्री समूह की बैठक होगी और हर 3 महीने में इस तरह की बैठक जो आज आपके सामने है ये होगी। जैसे मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र, इसके लिए अब ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 12 जनवरी और 25 जनवरी 26 जनवरी के एक दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और गणतंत्र दिवस के पहले ये दोनों मोबाइल पर व्हाट्सएप पे आपको अनुमतियां मिलेंगी, घर बैठे के मिलेंगी। अभी तक हमने करीब थोड़े से दिनों के अंदर ही 100 योजनाओं को उसमें और जोड़ लिया है, कुल 550 योजनाएं अब इसमें जोड़ी गई है। देश में पहला राज्य है जिसने ये तय कर दिया है कि ऐसे किसी विभाग की अनुमति 7 दिन में होना है, और 7 दिन में अगर वो अनुमति नहीं मिलती तो 8 दिन में स्वयं कंप्यूटर जनरेट करके उनको वो सुविधा प्रदान कर देगा। ऐसी 550 सुविधाएं ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है। प्रदेश के अंदर जो महाविद्यालय अभी वर्चुअल चल रहे थे, अब 20 जनवरी से उन सब की क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी, चक्रानुक्रम में होंगी वो, 50% छात्र आज और 50% कल, ऐसे 6 दिन में 3-3 दिन ये चक्रानुक्रम से प्रारंभ हो जाएगी। कैबिनेट बैठक के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम बातचीत में कहा कि प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है, इसके साथ ही नए कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट करने के लिए भी समय सीमा तय करने की बात कही। चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। इस वक्त हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी। विश्वास जी, आज करीब 8.5 घंटे तक एक प्रेजेंटेशन चला। चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से जैसा नीति आयोग का भी मंतव्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मंतव्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो, इसकी संरचना बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे 4 आयाम हैं मेडिकल एजुकेशन के। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम चिकित्सा शिक्षा उचित दें, और उचित शिक्षा देने के लिए उसके मॉड्यूल, उसके सिलेबस पर हम काम कर रहे हैं। पीजी कोर्सेज में जो हमारा नेशनल हेल्थ कमीशन है उसकी जो गाइडलाइन है, उसमें नए कोर्सेज आए हैं क्लिनिकल मेडिसिन का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, इन्फेक्शियस डिजीज का, इन सब को लेकर हम पीजी कोर्स शुरू करेंगे। रोगी कल्याण के लिए हम सुनिश्चित करेंगे कि रोगियों को उचित इलाज हमारे अस्पतालों में मिल सके। हमारे जो छात्र हैं उनकी कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएँ हम लेके आ रहे हैं। उसके साथ ही हमारा गैस राहत विभाग में भोपाल में हम एक गैस मेमोरियल बनाएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, और उसके आड़े जो गैस यूनियन कार्बाइड में रखा हुआ कचरा है 15 दिन के हम अंदर हम उसकी निविदा बुला रहे हैं और वो कचरा हम निष्पादित करेंगे, हटाएंगे वहाँ से। सर एक सवाल ये कि सर हर जिले में आप जो मेडिकल कॉलेज का, ये कब तक का हमारा प्लान है? ये लंबी प्लानिंग है, अगले 5 साल में ये होगा। हर साल 3-3, 4-4 लाएंगे, और ये प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिला के कहीं ना कहीं कम से कम एक मेडिकल कॉलेज आए, ये सुनिश्चित। सर आप कचरा निष्पादन की बात की है, जो गैस राहत का है उसका लिए क्या प्लान है सर? गैस राहत जैसे मैंने कहा कि हम अगले हमारी उसकी टेंडर बन चुका है, हम 15 दिन के अंदर टेंडर फ्लोट करेंगे और कोशिश करेंगे 3 महीने के अंदर हम उस कचरे को हटाएं और वहां पर एक सुव्यवस्थित ऐसा जो पूरी दुनिया को ये संदेश दे कि हम सबको इंडस्ट्रियल त्रासदी से बचना है, ऐसा हम मेमोरियल बनाएंगे। तो ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगजी जिनका ये कहना है कि गैस राहत मंत्री भी हैं वो, उनका ये कहना है कि गैस राहत जो गैस का कचरा है जो इसका निष्पादन किया जाएगा, 3 महीने के अंदर उसका निष्पादित कर दिया जाएगा, और उनका ये भी कहना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की प्लान किया गया है, अगले 5 साल में संभव है प्राइवेट सेक्टर और इनको मिला के अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेज हर जिले में देने का प्रयास किया जाएगा। क्या उन्होंने भारत के साथ जुगल किशोर शर्मा बंसल न्यूज भोपाल। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर वासियों को सौगात देंगे, इंदौर के पिपलियाहाना फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, शहरी पथ विक्रेताओं को मुख्यमंत्री ऋण वितरित करेंगे, नगर निगम के विकास कार्यों की भी आज शुरुआत करेंगे। इंदौर के पिपलियाहाना फ्लाईओवर ब्रिज को सजाया गया है आकर्षक लाइटिंग से, आज मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर जाएंगे जहां वो जनता को कई सौगातें देंगे, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम शिवराज सुबह 11 बजे देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर बने नए अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर जाएंगे जहाँ सीएम पंचवर्षीय प्रगति रोडमैप का प्रस्तुतिकरण देखेंगे। उद्योग विभाग की पीथमपुर योजना के 121 किसानों को करीब 95 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। 3 बजे सांवेर में शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित होगा। अपने दौरे में सीएम शिवराज इंदौर नगर निगम के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इंदौर में पिपलियाहाना फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन भी सीएम करेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली ही है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में पिपलियाहाना फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस फ्लाईओवर ब्रिज को मध्य प्रदेश के सबसे स्मार्ट फ्लाईओवर ब्रिज में भी गिना जा रहा है। दरअसल 45 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर IDA ने इस ब्रिज का निर्माण किया है, और बात की जाए तो इस ब्रिज पर विशेष तौर पर विद्युत सज्जा भी की गई है, यानी कि जो लाइट लगाई गई है वो भी काफी हाईटेक है। 6 लेन का ये ब्रिज है और तकरीबन यहाँ पर 2.5 साल में इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों तक इसका काम बंद था, लेकिन उसके बाद फिर से कहीं न कहीं यहाँ पर ब्रिज के निर्माण कार्य ने गति पकड़ी है। ब्रिज को स्मार्ट इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि ब्रिज के जो डिवाइडर हैं उन्हें भी विशेष तौर पर सजाया गया है, और
यहाँ पर पौधे भी लगाए गए हैं। साथ ही ब्रिज पर जो अलग अलग तरह की पेंटिंग्स है वो भी बनाई गई है, जिससे कहीं ना कहीं इस ब्रिज को स्मार्ट ब्रिज भी बताया जा रहा है। लंबे समय से इस ब्रिज का शहरवासियों को इंतजार था। पिपलियाना स्क्वायर पर बड़ा जाम भी लगता था, कई बार बड़े हादसे भी यहाँ पर हुए हैं और लोग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इन हादसों का शिकार हुए हैं। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा वाहन इस ब्रिज से गुजरेंगे और जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े जो ट्रैफिक जाम है उससे भी निजात मिलेगी। इंदौर शहर को ये बड़ी सौगात कल मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं ये सौगात इंदौर के शहरवासियों को देंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जिला एक उत्पाद अभियान के तहत उज्जैन में पोहा क्लस्टर बनाने को मंजूरी दी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। वहीं पोहा हब बनने से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो रणनीति है कि प्रत्येक ज़िले में एक ऐसे उत्पाद को चिन्हांकित किया जाए और उस उत्पाद की डिमांड अगर अच्छी हो तो उसकी ब्रांडिंग और ढंग से करी जाए, उसके नए यूनिट्स लगाई जाएं, उसमें अन्य लोगों को जो है नियोजित किया जाए और इस तरीके से प्रत्येक ज़िला एक एक उत्पाद के साथ पर आगे बढ़े। तो उज्जैन ज़िले में पोहा को उत्पाद के रूप में हम लोगों ने चिन्हांकित किया है। अब सभी लोगों को पता है कि यहाँ पोहे की 40 से अधिक फैक्ट्रियाँ ऑलरेडी हैं। लगभग 225 करोड़ से अधिक का पोहा यहाँ से बिक के साल भर में बिकता है और इंदौर के भी जो कई सारे ब्रांड हैं उनसे कहीं बेहतर ब्रांड जो है वो उज्जैन के माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इंदौर में बिकने वाला बहुत सारा पोहा जो है उज्जैन से ही जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से उज्जैन को उद्योगों के माध्यम से बढ़ावा देने की बात की है तो यहाँ के उद्योगपतियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वो खासकर बात की जाए पोहा हब बनाने के लिए तो आज हम आपको दिखाते हैं जिस प्रकार एक पोहा जो बनता है। सबसे पहले यहाँ मशीनों के माध्यम से धान की जो उपलब्धियाँ रहती है, जो धान आता है धान को गर्म करके यहाँ दिखाया जाता है। गर्म करने के बाद उसको पोहे में तब्दील होता है। हम बात करते हैं यहाँ के उद्योगपति हैं, अगर उज्जैन में पोहा हब बनता है तो धान की सबसे बड़ी समस्या उसको किस प्रकार प्रदेश सरकार को हल करना चाहिए? धान जो है लगभग मध्य प्रदेश में यहाँ पर उत्पादन हो, बाहर से ना आए तो ट्रांसपोर्टेशन से लेके सभी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा तो पोहा जो है हम वाजिब रेट पे दे पाएंगे। कितनी इनकम आप सोर्स होता है पोहे से और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा अगर हब बनता है तो? सर रोज़गार जैसे एक पोहा मिल में करीबन 12 से 15 लेबर मिनिमम लगती है तो जैसे 20 या 10 जो भी खुलते हैं तो 200-300 लोगों को रोज़गार और अच्छी इनकम होगी। और पोहा मिल डालने से जो है लगभग जो है उज्जैन का नाम पोहा से जुड़ा हुआ है वो फेमस होगा। बिल्कुल, यहाँ उद्योगपतियों का कहना है कि उज्जैन एक पोहा हब बने तो उसके लिए सबसे पहले प्रदेश सरकार को यहाँ जो धान की जो कमी आती है उसको पूरा करना पड़ेगा क्योंकि मालवा का जो पोहा है पूरा देश विदेश में मालवा का पोहे जाता है। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में लगभग 40 से ज़्यादा उद्योग स्थापित यहाँ पोहे के नाम से होते हैं। करोड़ों लोगों का यहाँ से रोजगार भी चलता है और जिस प्रकार प्रदेश के मुखिया और उज्जैन जिला कलेक्टर द्वारा पोहे को हब बनाने का जो ये निर्णय लिया है उससे यहाँ के जो उद्योगपति वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर अभी भी उस पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता फिलहाल इसकी दावेदारी कर रहे हैं। बता दें आपको, कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि विधायक अपना नेता प्रतिपक्ष चुन सकते हैं। इधर अब ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने अपना दावा ठोका है और ब्रजेंद्र सिंह राठौर कह रहे हैं कि मैं भी इस दौड़ में शामिल हूं। कांग्रेस हाईकमान और वरिष्ठ नेता अंतिम निर्णय लेंगे। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या कहा है और ये तो हमारे नेता हैं, वही सब लोग तय करेंगे या वो चाहेंगे तो विधायक लोग तय करें। हो सकता मैं भी उस दौड़ में रहूं लेकिन कोई बहुत परेशान नहीं हूं। जो सब लोग तय करेंगे वही पार्टी तय करेगी, वो सब कुछ सिरोधारी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख भले ही कुछ महीने के लिए टल गई हो लेकिन कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान कमलनाथ ने बैठक में मौजूद सभी लोगों को मूल मंत्र देते हुए कहा कि आज की राजनीति और समय परिवर्तित हो चुका है, जिसने परिवर्तन को अपना लिया वही सफल है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि निकाय चुनाव को छोटा चुनाव ना समझे। वहीं बैठक में बड़ा फैसला ये लिया गया कि नेताओं की पत्नियों को टिकट नहीं दिया जाएगा
और सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं को ही मौका मिलेगा। बता दें आपको 16 नगर निगम में से 7 नगर निगम महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा कमलनाथ ने सभी प्रभारियों और सह प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में निष्पक्ष रूप से प्रत्याशियों का चयन करने की जिम्मेदारी भी दी है और उम्मीदवारों के नाम तय समय सीमा में कांग्रेस कार्यालय भेजने को कहा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स मामले में देश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का खुलासा किया है। गिरफ्त में आए 5 आरोपियों से 70 करोड़ रुपए की 70 किलो एमडीएमए ड्रग्स बरामद हुई है। इनके पास से 13 लाख रुपए नगद भी बरामद हुआ है। आरोपी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो ड्रग्स को साउथ अफ्रीका ले जाने की तैयारी में थे। आरोपियों की माने तो वे ट्रेन, प्लेन, बस, ट्रक, ट्रांसपोर्ट और निजी कार से ड्रग्स लाते थे। ये इतने शातिर थे कि ट्रांसपोर्ट से ड्रग्स भेजते समय वे पैकेट में मुर्गी दाना पाउडर या बीमारियों के वैक्सीन का पाउडर बताते थे। एडीजी योगेश देशमुख के मुताबिक क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि हैदराबाद के कुछ तस्कर इंदौर और देवास के रहने वाले स्थानीय एजेंट्स और ड्रग्स पेडलरों के जरिए बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश में एमडीएमए की तस्करी करने वाले हैं, जिसके बाद घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जाहिर है ये ड्रग्स कई सेलेब्स के पास से भी बरामद हो चुका है। पुलिस ने एक बहुत बड़ी मात्रा में 70 करोड़ के ड्रग्स सीज किए हैं। आज ही 70 किलो एमडीएमए जो सिंथेटिक ड्रग है उसे एक ही कंसाइनमेंट में आज सीज किया गया है। हमारे इंदौर सिटी के एसएसपी कम आईजी हरिनारायण जी के मार्गदर्शन में और हमारी जो इंदौर की क्राइम ब्रांच है उसने एक अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हमारा ये मानना है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स है कंट्री में। नरकोटिक से डील करने वाली कुछ संस्थाओं से मेरी बात भी हुई है। 70 kgs जनरली बहुत बड़ी मात्रा में अभी तक किसी अन्य संस्था ने नहीं पकड़ा है। ये खपत जो है ड्रग कंसाइनमेंट हमारे क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी। हैदराबाद के कुछ लोग मध्य प्रदेश में इंदौर में ये कंसाइनमेंट डिलीवर करना है, उसी में पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच की एडिशनल एसपी गुरु पाराशर के नेतृत्व में पूरी टीम बनाकर घेराबंदी की गई और जब ये कंसाइनमेंट एक्सचेंज हो रहा था, पैसे एक्सचेंज हो रहे थे ड्रग डीलर्स के बीच में, उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है और 70 kgs एमडीएमए बरामद किया है। इधर भोपाल पुलिस के हत्थे सीरियल किलर चढ़ा है जिसने 2 महीने पहले एक मीडियाकर्मी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। इसके पहले भी 5 हत्याओं के आरोप में वो सजा काट चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनीराम सेन जंगल में गड़ा हुआ खजाना दिलाने का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। तंत्र मंत्र के नाम पर उनसे मोटी रकम इंठता था और फिर जंगल में ले जाकर हत्या कर देता था। 5 लोगों की हत्या के मामले में मनीराम 2017 में आजीवन कारावास की सजा काटकर लौटा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मीडियाकर्मी की हत्या के मामले में जांच के दौरान सामने आया था कि उसने किसी मनीराम सेन को जमीन में गढ़े सोने के लालच में 17,000 रुपए दिए हैं और आखिरी बार उसे मनीराम के साथ ही देखे जाने की बात सामने आई। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर उसे सागर के राहतगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। जब ये इलाहाबाद से सागर जाने वाली बस से जा रहा था, हमें इसकी लोकेशन विदिशा के आसपास कंफर्म हो गई थी कि ये इस बस में है। उसके बाद एक व्यक्ति को इसके साथ चढ़ाया जो इसको पहचानता था, वो व्यक्ति सागर तक उसी बस में बैठ के गया। हम लोगों को अपडेट करता रहा बस कहाँ गई, कैसे, कब तक पहुँची और अंततः राहतगढ़ सागर में जब बस जैसी बस पहुँची है, ये बस स्टैंड से पहले ही उतरने के फिराक में था। उसके पहले ही हमारी टीम के द्वारा लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन से धर दबोचा। अनिल कपूर की फिल्म जुदाई तो आपको याद ही होगी जिसमें पत्नी अपने पति को 1 करोड़ रुपए में उसकी प्रेमिका सौंप देती है। भोपाल में भी ऐसा ही एक फिल्मी मामला सामने आया है जहां प्रेमिका ने
अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए प्रेमी की पत्नी को 125,000 रुपए दे दिए। पत्नी ने भी 125,000 रुपए लेकर पति को उसकी प्रेमिका के सामने रहने की इजाजत दे दी। मामला कुटुंब न्यायालय की काउंसलर के पास आया था। काउंसलर सरिता राजानी के मुताबिक 54 साल की एक महिला को अपने ऑफिस में काम करने वाले 42 साल के एक पुरुष से प्यार हो गया था। 8 साल तक अफेयर चला और जब महिला ने साथ रहने की जिद की तो प्रेमी के घर में विवाद शुरू हो गया। प्रेमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मामला आगे बढ़ा और पत्नी ने 125,000 की संपत्ति लेकर पति को प्रेमिका के साथ रहने की इजाजत दे दी। बहुत सुखी संपन्न परिवार, 18 साल से वैवाहिक जीवन जी रहे थे एक दंपत्ति और 2 बेटियां हैं उस परिवार में। बहुत सुखद परिवार था। अनायासी पति ने आके अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक महिला मित्र के साथ मेरे संबंध हैं और मैं उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहता हूँ। एक माँ मजबूर थी कि उसे अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना था, उन्हें उज्जवल भविष्य देना था, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है, जिसकी वजह से क्योंकि वो गृहिणी है तो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप मुझे पैसा ही दे दीजिए। तो इस तरीके से ये जो समझौता हुआ। खबर ओरछा से मिल रही है जहां जामनी नदी में एक बेकाबू कार गिर गई। इसमें महिला और बच्ची को गोताखोरों ने बचाया। युवक और एक बच्चे की तलाश अभी जारी है। यह हादसा ओरछा में हुआ है जहां कार में 4 लोग सवार थे। देर रात यह हादसा हुआ। होमगार्ड और पुलिस जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुल पर रेलिंग नहीं होने से यह हादसा हुआ। पृथ्वीपुर निवासी ये सभी लोग बताए जा रहे हैं जो हादसे का शिकार हुए। परिवार झांसी से इलाज कराकर वापस पृथ्वीपुर लौट रहा था और उस वक्त ओरछा में यह हादसा हो गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बर्फबारी ने कश्मीर घाटी का देश दुनिया से संपर्क काट दिया है। दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में तो 4 से 5 फीट बर्फबारी दर्ज की गई, जहां मौसम की तेवरों से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर एयरपोर्ट से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे और जम्मू और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाले मुगल रोड से भी बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। यहां करीब 4500 ट्रक फंसे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक विजिबिलिटी कम होने के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन लगातार 3रे दिन भी बाधित रहा। मौसम में सुधार होने के बाद ही विमान उड़ान भरेंगे और लैंड कर सकेंगे।